राम राम भाइयों, कैसे हो सभी दोस्तों। भारतीय सेना की खुली भर्ती आ चुकी है, भारत के सभी राज्यों के लिए भर्ती आ चुकी है। क्या आपकी एज रहने वाली है और कौन कौन सी कैटेगरी में आपको पोस्ट मिलने वाली है, अगर आप यह पूरी जानकारी जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ अपना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय सेना में जाकर अगर आप देश की सेवा करना चाहते हो तो आप सभी के लिए भारतीय सेना की खुली भर्ती आ चुकी है। रज राइफल रेजिमेंट सेंटर में आप सभी स्पोर्ट्स कोटे की आपकी भर्ती है। और आपके दोस्तों कौन कौन से कैंडिडेट्स भर्ती में जा सकते हैं, अगर आपके पास वॉलीबॉल का सर्टिफिकेट है, एथलेटिक्स का है, बॉक्सिंग का, या फिर शूटिंग का है, या फिर आपके पास बास्केटबॉल का, दोस्तों अगर आपके पास सर्टिफिकेट बना है तो आप सभी इस भर्ती में ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आप सभी भारत के सभी राज्य के कैंडिडेट्स भर्ती में जा सकते हैं। अगर आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप सभी इस भर्ती में जा सकते हो। रज राइफल रेजिमेंट सेंटर दिल्ली कैंट में आप सभी है यह भर्ती होने वाली। इसमें कौन कौन से अपने डॉक्यूमेंट लेके जाने, दोस्तों अपने एजुकेशन के लेके जाने हैं, ठीक है, डोमिसाइल लेके जाना, कास्ट का ले जाना, करेक्टर का सर्टिफिकेट ले जाना। अगर आप अनमैरिड हो तो अपने अनमैरिड का ले जाना, पिन कार्ड लेके जाना, आधार कार्ड और अपनी 3 पासपोर्ट साइज फोटो लेके आप सभी यहाँ पर जाना है। ठीक है, यहाँ पर भारत के सभी राज्यों के लिए स्पोर्ट्समैन भर्ती आ चुकी है। रज राइफल रेजिमेंट सेंटर दिल्ली कैंट में आप सभी है स्पोर्ट्समैन भर्ती आप सभी की चलने वाली है। ठीक है, अगर आप भी इस भर्ती में जाकर अपनी देश की सेवा करना चाहते हो तो आप सभी इस भर्ती में जरूर ट्राई कर सकते हो। चाहे वो आप भारत के किसी भी कोने से हो तो आप सभी इस भर्ती में जा सकते हो। एज आपकी दोस्तों वही रहने वाली है, 17 से लेकर आपकी 23 वर्ष तक आपकी एज रहने वाली है। अगर आपको यहाँ पे दोस्तों पोस्ट यहाँ पे नहीं दिखाई गई है कि आपको कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, दोस्तों आपको ज़्यादातर यहाँ पे जनरल ड्यूटी की ही पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बाकी कोई न्यूज़ मिलती है कि कौन कौन सी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी तो आप सभी को वीडियो के माध्यम से सबसे पहले बता दीजिएगा। पर आपके जो स्पोर्ट्समैन ट्रेल होगा सबसे पहले इसमें, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपका एग्ज़ाम होगा, इसी बेस पे आपका इंडियन आर्मी में सिलेक्शन होगा। रज राइफल रेजिमेंट सेंटर दिल्ली कैंट की यूनिट है, वहीं पर ही आपने सुबह 6 बजे आपकी एंट्री होगी। बिना इस भर्ती के लिए आपको ना कोई ऑनलाइन आवेदन करना होगा, सीधा आपने वहाँ पर एंट्री करनी है और अपना जज्बा दिखाना है दोस्तों, और आपने इस भर्ती में अपना सिलेक्शन पाना है। ठीक है, अगर आपके पास भी स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तो आप सभी इस भर्ती के लिए ट्राई कर सकते हो। बस आज की वीडियो में इतना ही है, आशा करूँगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।